वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी द्वारा चूहे का हवाला दे के जो सानू सेध दिती गई है, आओ उस बारे गुरबाणी की रोशनी विच्चों विचार करते हाँ। गुरबाणी विच चूहे नू मूसा कह के भी संबोधन किया गया है। चूहे की शख्सियत बारे गुरबाणी विच समझाया गया है कि चूहा मेहनती तो बहुत है, पर उसकी मेहनत का कोई भी चंगा नतीजा नहीं निकलता। चूहा हरेक चीज़ नू टुकदा रहिंदा है, पर उस विच उसनू कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। गुरबाणी की एक पंक्ति जो चूहे के सुभा बारे सानू समझा रही है, उस तो सेध लैण दा यतन करदे हाँ। आव कटै नर न बूझै, नित मूसा लाज टुकाई। गुरबाणी सानू समझा रही है इस जीवन विच साडा समा हर पल घट रहा है, पर मेरा मन इसनू नज़रअंदाज करदा रहिंदा है। जिवें चूहा रस्सी नू टुकदा रहिंदा है अते रस्सी छोटी हुंदी जांदी है, ठीक उसे तरह मेरी उम्र हर पल घटदी जा रही है अते मैं अजे भी व्यर्थ कम्मां विच रुझिया होया हाँ। अपने कीमती समय नू टुक रहा हाँ। सानू इस विच्चों यह सिख्या मिलती है कि साडा जीवन अपने मनुखी शरीर के उद्देश नू ना समझते हुए होर कम्मां विच ही मेहनत करके बीती जा रहा है, पर सानू कोई सार्थक प्राप्ति नहीं हो रही। असी अपने कीमती समय नू अजाई गवा रहे हाँ। बौद्धिक पद्धर दे पक्षों सानू गुरबाणी चूहे दा हवाला दे के साडे दृष्टिहीन होण बारे सानू जाणू करवा रही है कि असी अपने मनोरथ नू भुल के होर कामां विच ही मेहनत करदे होए जीवन जिउंदे जा रहे हाँ। आओ असी सारे गुरबाणी तो सेध लै के अरदास करिए कि साडा जीवन दृष्टिहीनता तो दृष्टमान हो सके अते असी गुरबाणी द्वारा दसे मार्ग वल पूरी मेहनत लगा के चल सकीए। सिख टीचिंग्स दे शब्द कोश उपराले तहत रिकॉर्ड कीती इस ऑडियो नू सुनन लई आप जी दा समुची टीम वालों धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।